close your eyes. तो हेलो गाइस, आप सभी को हमारे आज के इस न्यू ब्लॉग पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं। देख सकते हैं भाई, मेरा ट्रेन जो है वो आ चुकी है, ठीक है, मतलब आ चुकी है जो भी है। तो आज जो है मैं जाने वाला हूँ भारद्वार से झारड़ी, ठीक है। मैं कॉलोनी में काम करवाता हूँ, जो भी साफ सफाई दुनियादारी है उसको मैं करवाता हूँ। तो इसी से रिलेटेड जो है ये ब्लॉग होने वाला है, पूरा ब्लॉग होने वाला है हर दिन का। तो भाई रेलवे कॉलोनी कैसा होता है, क्या काम होता है, पूरा आपको जो है इस वीडियो में मिलेगा। तो मेरा ट्रेन जो है यहाँ आ चुका है, देख सकते हैं। तो इसी ट्रेन से मेरे को जाना है झारड़ी, ये मेरा स्टेशन है। मैं यहीं से जो है डेली अप डाउन करता हूँ, मतलब आना जाना करता हूँ बोल रहा हूँ, और मतलब डेली इसी तरीके से ब्लॉग आएगा। तो मेरा जो फेस कैम है वो वीडियो के अंत में आपको देखने को मिलेगा। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है भाई, यदि आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ अपना। ये देख सकते हो स्टेशन के बाहर का है। Artificial love, we just make it up, 'cause reality will never be good enough, and even if it was, we just mess it up, 'cause we already lost. तो मतलब डेली ऐसे ही ब्लॉग मिलेगा आपको, क्या क्या काम होगा वो भी आज जो है हम कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम निकल चुके हैं भारद्वार से, और इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है जेठा, जहाँ पर कॉलेज है। आसपास के जो फूल छड़ियाँ हैं या फिर जो भी मिर्ची फटाका वगैरह है वहाँ पर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। और इस ट्रेन से मतलब बहुत सारे लड़कियाँ उतरती हैं, लड़के तो भाई बाइक से ही चले जाते हैं, लड़कियाँ उतरती हैं। हाँ, तो जेठा का ये स्टेशन छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर एक्सप्रेस वगैरह नहीं रुकता है। पता नहीं आज आएँगे कि नहीं, लेकिन भाई लड़कियाँ बहुत सारी आती हैं यहाँ पर कॉलेज में। तो कभी हम कॉलेज का भी ब्लॉग वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। सामने कुछ फूल छड़ी वगैरह जल रहे हैं, तो कोई ना, हम आगे चलते हैं भाई, वरना हम चल जाएंगे। और आगे इसके बाद जो है आने वाला है शक्ति, है ना, इसके बाद जो है जेठा के बाद शक्ति आएगा। तो हम आ चुके हैं शक्ति, नेक्स्ट स्टेशन तीसरा स्टेशन है भारद्वार से। यहाँ कुछ राजा हुआ करते थे पहले, तो उसके बारे में भी हम कभी और ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। मेरा ट्रेन जो है छूटने वाला है, तो हम चढ़ जाते हैं भाई फटाफट से, वरना छूट जाएंगे। तो फाइनली हमारा जो है इंतज़ार अब ख़त्म हो चुका है, हम आ चुके हैं भाई झारड़ी। और ये स्टेशन भाई छोटा स्टेशन है, जहाँ पर आपको पानी वगैरह भी नहीं मिलता है ना। तो रनिंग है अभी, कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है अभी इस स्टेशन में, अभी मत आना भटकने के लिए। पर एक तो झूला वगैरह लगा, क्या हुआ था यहाँ पर जो है काली पूजा हुआ था, जो कि स्टेशन में होता है, स्टेशन मास्टर या कॉलोनी वाले जो है वो कराते हैं ना। तो यहाँ पर मस्त वाला एक मेला हुआ था काली पूजा, इसमें काली जो होती है उनका पूजा किया जाता है, उसके बाद 2-3 दिन रखने के बाद विसर्जन कर दिया जाता है। तो चलिए हम चलते हैं सीढ़ियों से। हमने देखो वहाँ पर दिख रहा है वो स्टेशन मास्टर का रूम है, मतलब वहाँ से ही पूरा स्टेशन हैंडल करते हैं। वहाँ पर सामने में स्कूल है, उसका भी हम जो है थोड़ा फूल छड़ियाँ वगैरह आपको दिखाएंगे। सामने देखो भाई फूल छड़ियाँ, जो कि स्कूल जा रहे हैं वही पर जा रहे हैं, जो सामने में बताया था ना स्कूल, देख लो वहाँ पर जाते हैं। यहाँ पर देखते हो रेल में काम चल रहा है भाई, और ये रहा हमारा, यहाँ पर टिकट वगैरह मिलता है और स्टेशन मास्टर भी वहीं पर, तो वहाँ से हम आपको मिला नहीं सकते। ये है जो है सामने का है, कॉलोनी जाने का रास्ता है ये। पीछे में देखना इसका जो है झारड़ी लिखा होगा, ये देखो झारड़ी है ना। और यहाँ से कॉलोनी घुसते हैं भाई अंदर, और ये रहा रेलवे कॉलोनी, वहाँ से बाहर निकलते हैं, और ये है गार्डन, रेलवे कॉलोनी का गार्डन। यहीं पर जो है हमारा जो है काम चल रहा है अभी साफ सफाई का, और वो देखो भाई कैसे बैठा हुआ है वर्कर है भाई वो ये ऐसा करते हैं भाई ये लोग कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना तो इनसे काम कराऊंगा। वैसे काम सुबह से आ गए थे वो लोग, है ना, एक जो है ये वाली वो महिला है वो कर रही है। तो वो जो एक और लड़का था ना, वो आपको डेली मेरे साथ देखने को आपको मिले। अब ये रापा बना रहा है, रापा कसी जो भी है, ये रिपेयरिंग चल रहा है उसका, देख रहे हो। ये महिला जो है झाड़ू लगा रही है, पूरा सफाई हो जाएगा ना, उसके बाद एक और ब्लॉग लाएंगे हम। देखो भैया
ये है हमारा झाराडी का गार्डन ऐसे करके, है ना। सेकंड पार्ट लाएंगे इसका, झाराडी पार्ट टू ऐसे करके। को इसमें ना अभी स्प्रे भी कराना है, मच्छर वाला स्प्रे भी कराना है। इसमें नहीं कराना है, कॉलोनी में जो नाली रहता है ना उसमें उसमें छिड़कवाना है। तो जो है पूरा हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जो है पूरा कॉलोनी का आपको जो है व्यूज दिखाएंगे, मतलब किस प्रकार से रेलवे कॉलोनी बना हुआ है झाराडी का, और गार्डन वगैरह पूरा का आपको जो है कवर करके मतलब बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। झाराडी का तो अभी ये सफाई चल रहा है, अभी उतना खास नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा झाड़ फूस है, देख सकते हो लोग सफाई कर रहे हैं। तो बहुत सारा काम होने के बाद यहाँ पर हो चुका है हम लोगों का लंच का छुट्टी। तो भाई देख सकते हो इसको कैसे मुँह जो है डेटॉल साबुन से धो रहा है, भाई देखो जरा डेटॉल साबुन दिया था इसको बेचारे को तो धो रहा है ये। तो अभी जो है खाना वाना खाएंगे, उसके बाद फिर से काम पर लगेंगे। तो यहाँ पर जो है लंच का छुट्टी खत्म और फिर से जो है काम पर यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। अभी इसको ड्रेस दिया हूँ, ड्रेस नहीं था इसके पास, ये नया नया लगा है और मैं भी नया नया हूँ अभी। भाई सीएसएम वगैरह अंदर का जो है मैं आपको मिला नहीं सकता, बाद में हम आपको बताएंगे कि अंदर का क्वार्टर कैसा होता है, गजब रहता है भाई। मॉनिटर लगा रहता है बड़ा बड़ा सा, और उसमें पूरा हैंडल करता है जो स्टेशन मास्टर है ना, वो हैंडल करता है पूरा ट्रेन को, स्टेशन को हैंडल करता है। तो सामने का जो एक झाड़ी था उसको बताया था मैं कि उसको करना है ऐसे करके, तो यहाँ पर देखते हो ये लोग करना स्टार्ट कर दिए हैं। वहाँ से पूरा मतलब साफ़ करने के बोला गया है। तो भाई देख सकते हो पीछे में सारा ट्रेन जा रहा है और पूरा सफाई करवाना है भाई इसको। डांटते हैं भाई सीएसएम यहाँ के हेड होते हैं, वही स्टेशन का पूरा हेड होते हैं। तो पीछे देख सकते हो ट्रेन जा रहा है। काम कर रहे हैं, बोल रहे होंगे कि भाई ये सुपरवाइजर बहुत काम कराते हैं। देख सकते हो सामने क्या है, दरिया है शायद, क्योंकि वो लोग अपने बच्चे को साथ में लेकर आए हैं। भाई देख रहे हो चार पांच है भाई ऊपर में, और है ऊपर में देख सकते हो, एक दो तीन, तीन ऊपर में है और एक नीचे में है, है ना। तो कॉलोनी में ही आ गए हैं, सबके पास है ना बच्चा अपना अपना, देख लो दिख रहा होगा तो सही है और नहीं दिख रहा होगा तो भाई देखा ही नहीं सकते हैं, मेरा मोबाइल में शूट कर रहा हूँ ना। उसको बोला हूँ कि भाई ऊपर जा, ठीक है, और ऊपर सीढ़ी से चढ़कर इधर से धड़ाम से नीचे आ तू करके, कैसा लगता है बताना ऐसे करके। तो चला गया और चढ़कर यहाँ से नीचे आ भी गया, देख लो। तो मैं आ गया हूँ भाई अब स्टेशन में, क्योंकि मेरा छुट्टी हो चुका है। तो यहाँ पर कुछ मिला देखता हूँ, स्टेशन का जो बाजू बाजू में नया बनता है ना उसका, ये क्या बोलते हैं यार, कवर टाइप का लगा रहता है साइड साइड में उसका है ये, ठीक। तो बन रहा था तो भाई आपको भी दिखा देता हूँ, ऐसे करके सोचा किस प्रकार से बनता है। तो आज का काम यहाँ पर जो है कंप्लीट हो चुका है, तो अब देखते हैं कल कितना काम मतलब करना पड़ेगा। मतलब अभी साफ़ हुआ नहीं है वहाँ का जो क्या बोलते हैं गार्डन जो है वो साफ अभी हुआ नहीं है। तो मेरा ट्रेन भी यहाँ से आएगा अभी VR, जो कि रायगढ़ से बिलासपुर तक जाता है, उसी ट्रेन में मैं आज यहाँ से निकलने वाला हूँ। अब कल स्प्रे करवाना है कॉलोनी में मच्छर वाला, और मतलब सफाई भी बाकी है अभी। तो कल भाई मिलते हैं, ठीक है, कल सुबह टाइम मिलेंगे। आज का तो इतना ही था, तो ब्लॉग जो है आज हम यहीं पर समाप्त